हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट सब्जेक्ट मैथ क्लास UKG। स्टूडेंट्स, आज हम आपको आफ्टर बिफोर पढ़ा चुके हैं, आज हम आफ्टर और बिटवीन पढ़ाएंगे। डिफरेंसेस ऑफ आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या हो जाता है, बाद में, क्या हो जाता है, बाद में। बिटवीन मतलब क्या हो जाता है, बीच का लिखना होता है, ठीक है, दोनों के बीच के। देखिए 1-3, तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2। 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर 1 और 3, बिटवीन 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2। फिर इधर है 6-8, तो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7। 6 के बाद क्या आता है, 7, और 8 के पहले क्या आता है, 7, तो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7। फिर 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6, क्या आएगा, 6। फिर 9 और -11, 11 के बीच में क्या आएगा, 9 और 10, क्या आएगा, 10। 10 और -11, 11 के बीच में क्या आएगा, 12 हो जाएगा, 10 और 12 के बीच में क्या आ जाएगा, 11, क्या आएगा, 11। फिर 12 और 14 के बीच में क्या आएगा, 13, क्या आएगा, 13। 17 और 18 के बीच, 17 और 19 के बीच में क्या आएगा, 18, क्या आएगा, 18। एंड 16 और 18 के बीच में क्या आ जाएगा, 17। 15 और 17 के बीच में क्या आ जाएगा, 16। 12 और 14 के बीच में क्या आएगा, सेंटर में, 13। फिर 15-17 के बीच में क्या आएगा, 16। 4-6 के बीच में क्या आ जाएगा, 5। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या थे आपके बिटवीन। देखिए 1 और 2 के बीच में 3 आ गया, बाकी आपको ये अपने आप करने हैं, आपकी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और बिटवीन कंप्लीट करेंगे। ओके, अब क्या है, इसमें आफ्टर भी दिए हैं। आफ्टर में देखिए 17 के आफ्टर 18, 20 के आफ्टर 21, 12 के आफ्टर 13, 9 के आफ्टर 10, 8 के आफ्टर 9, 5 के आफ्टर 6, 13 के आफ्टर 14, 11 के आफ्टर 12, 12 के आफ्टर 13, 3 के आफ्टर 4, 6 के आफ्टर 7, एंड 2 के आफ्टर 3। ओके स्टूडेंट, आफ्टर मतलब बाद में और बिटवीन मतलब बीच का लिखना है, ठीक है। तो आफ्टर और बिटवीन ये दोनों एक्सरसाइज दी हैं, अलग अलग एक पेज में डेट डालेंगे, 3 June 2020 आफ्टर डालेंगे और होमवर्क डाल के इसको कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरे पेज में, नेक्स्ट पेज में आप इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में डेट डालेंगे और डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बिटवीन और इसको लिख के कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो भी वर्क है ये मैथ की कॉपी में अपना नीट एंड क्लीन कंप्लीट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।